नमस्कार दोस्तों, रोलेट क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कोनार बेट लगा के दिखाऊंगा और कोनार बेट से हम कैसे अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आज का वीडियो होगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ कमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे बहुत सारे यूज़र ने बोला है कि एक फंटेन के ऊपर वीडियो डालो, या बहुत सारे यूज़र का सवाल था कि जो लाइटिंग रोलेट है उसके ऊपर वीडियो डालो। देखिए, आप लोगों को एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, यूट्यूब ने मेरे ऑलरेडी 4-5 चैनल जो है हटा दिया है। अब मैं और कितना चैनल बनाऊँगा, तो इसीलिए अभी मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ जो यूट्यूब को पसंद नहीं है, समझ रही हो। अगर मैं कुछ ऐसे वैसे चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगा ना, तो यूट्यूब 2 दिन में मेरा चैनल हटा देगा। इसीलिए कुछ चीज़ें मान कर चलना पड़ता है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। जो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कोनार बेट, कि हम कोनार बेट लगा के किस तरह से अपना डेली टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम प्लान जो है वो है कोनार बेट। तो कोनार बेट किस तरह से लेना है ये चीज़ें आप लोग देख लेना, और इसी तरह से आज हम अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे। आज का प्लान ही है कोनार बेट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 6 जगहों पर कोनार बेट ले लिया है 600 का, यानी सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के सारे नंबर मैंने कवर कर लिया। मैंने फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया और 0 को छोड़ दिया। खेलने का जो तरीका होगा कि जब तक प्रॉफिट होते रहेंगे तब तक हम सिंपली रिपीट करते रहेंगे। जैसे लॉस होगा बेट अमाउंट को 2 टाइम डबल करेंगे। मेरा जो बैलेंस है अभी 1,40,000 है, तो मान लीजिए 1,41,000 है, तो मैं इसे 43 तक लेके जाऊंगा, यानी 2,000 का टारगेट रखता हूं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 29, तो यहां पर मेरा 300 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कोनार बेट पर हमें 8 टाइम्स मिलते हैं। सिंपली रिपीट। और 300 प्रॉफिट, हमें सिंपली रिपीट करना है। नंबर 0, जैसे मैंने बोला था कि अगर हमारा लॉस हो जाए तो हमें सिंपली बेट अमाउंट को 2 टाइम डबल कर देना है। अगर आप इस तरह से खेलोगे ना तो आप हमेशा प्रॉफिट करोगे। याद रखना, इस तरह की चीज़ें अप्लाई करने से पहले आपके वॉलेट पर नज़र रखना कि आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है, उस हिसाब से आप स्टार्ट करना, ठीक है। सिंपली रिपीट एंड 2 टाइम डबल। नंबर 23, तो यहाँ पर जो हमारा पहले लॉस हुआ था वो सारा लॉस अमाउंट वापस मिल गया, प्लस हमारा प्रॉफिट हो गया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, पहले पोजीशन पर आ जाऊँगा जैसे मैंने खेलना स्टार्ट किया था। अगर आपको एक परफेक्ट साइट चाहिए जिसमें किसी भी तरह का कोई इशू ना हो और मेरा सपोर्ट मिले, तो आप मुझे व्हाट्सअप करना। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है कॉमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको साइट का लिंक दे दूंगा। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सीवेंस के अंदर अभी फ़िलहाल डिपॉजिट करने वाले सभी यूज़र से रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी डिपॉजिट करते हो डिपॉजिट करने से पहले एक बार UPI ID चेक कर लेना, क्योंकि अभी फ़िलहाल UPI ID मतलब कुछ समय बाद चेंज हो रही है, तो हमें वही UPI ID पर पेमेंट करना है जिस UPI ID को साइट पे दिया गया है। ऐसा नहीं कि पहले अपने 2 दिन पहले जिस UPI ID पर पेमेंट किया उसी पे रिपीट करना है, ऐसा गलती मत करना, ठीक है। नहीं तो वो पैसा आपको फिर रिफंड मिलेगा, आपके ID में ऐड नहीं होगा। तो हमेशा डिपॉजिट करने से पहले अगर UPI से करते हो तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, और अगर नेट बैंकिंग से करते हो तो नेट बैंकिंग का अकाउंट सेम ही है। तो यहाँ पर जो मेरा 43 तक मुझे जाना था, यानी 2000 का टारगेट मैंने ले लिया था, छोटा टारगेट आज के वीडियो में, तो वो कंप्लीट हो गया। वो चीज़ें मैंने कंप्लीट करी कोनार बेट के ज़रिए से। तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। अगर आपके वॉलेट में ज़्यादा बैलेंस है तो आप ये चीज़ें आसानी से कर सकते हो। अगर कम बैलेंस है तो आप, जैसे मैंने 100 रुपीज़ का हर जगह पर बेट ले लिया, उस पोजिशन पर आप 20 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही लॉस होगा बेट अमाउंट को हमें 2 टाइम्स डबल करना है। ये हमेशा इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है वॉलेट का बैलेंस हमारा कितना है,
ताकि हम ये चीज़ें अगर लगातार 2-3 बार भी लॉस हो जाए उस पर भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम आसानी से 2 टाइम्स डबल कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, नए यूज़र देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन पर मेरा मोबाइल नंबर है, किसी भी तरह का कोई इशू है, कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो है हेल्पफुल होगा, जो जो लोग कॉर्नर बैट खेलते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चीज़ें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, टेक केयर।